दोस्तों, अगर आप बेस्ट परफॉर्मेंस, बेस्ट डिस्प्ले, सब कुछ बेस्ट वाला फ़ोन ढूंढ रहे हैं तो अब आपको इसके लिए ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे फीचर्स आपको 20 से 30,000 के बीच वाले फ़ोन्स में आपको सब के सब फीचर्स मिलते हैं और हम इन्हें मिड रेंज फ्लैगशिप के नाम से जानते हैं। और इसमें आपको यकीन मानिए, बेस्ट परफॉर्मेंस, बेस्ट डिस्प्ले, बेस्ट कैमरे, सब वैल्यू फॉर मनी आपको फ़ोन्स मिलेंगे। तो हमारा वीडियो एंड तक ज़रूर देखें ये लिस्ट जानने के लिए। और नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, जो लेके हूँ आपके लिए एक नया वीडियो जिसमें हम को बताएंगे टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन्स अंडर 30,000। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि आपको हमारी लिस्ट अच्छी लगी कि नहीं लगी, और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पाँचवे नंबर पे जो फ़ोन है वो है वीवो V21 5G। ये एक 5G फ़ोन है जो कि हाल ही में लॉन्च हुआ है। इसमें आपको मिलता है मीडियाटेक का डायमेंसिटी 800U, जो कि टेस्टेड है, बहुत पावरफुल परफॉर्मेंस देता है, आपको यकीन मानिए, क्योंकि ये 7nm पे बेस्ड है। इसका अंतु स्कोर कुछ 350 लाख से ज़्यादा ही आता है, तो आप जान सकते हैं कि ये कितना पावरफुल परफॉर्मेंस आपको देगा। और वीवो के फ़ोन्स की हम बात करें तो जनरली उनके कैमरास बेस्ट होते हैं। इसमें वो कैमरा बेस्ट मिलता है, पीछे की तरफ ट्रिपल कैमरा मिलता है, 64MP का रियर कैमरा आपको मिलता है जो कि विथ OIS टेक्नोलॉजी के साथ उसमें मिलता है, और आगे की तरफ आपको मिलता है 44MP का सेल्फी कैमरा जो कि OIS पे बेस्ड है। आपको इसमें बेस्ट फोटोज़ मिल सकती हैं, नाइट शूट वगैरह वगैरह, बहुत अच्छी अच्छी इसमें फ़ोटोज़ आती हैं। और आगे चलें तो इसमें आपको मिलती है 4000mAh की बैटरी, स्लाइटली कम बैटरी मिली है इसमें आपको, लेकिन उन्होंने 33W का चार्जर भी आपको दिया है जो कि फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। और इसकी डिस्प्ले की बात करें तो इसका आइडियल सा एक डिस्प्ले साइज़ है 6.44 इंच का, अगर विथ 90Hz का रिफ्रेश रेट है उसमें, और वो एमोलेड स्क्रीन है दोस्तों। हाँ दोस्तों, इसमें हमें एमोलेड स्क्रीन मिलती है। और इसके प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो इसकी बेस फ्रेंड की प्राइस कुछ 29,990 है। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप ये फ़ोन लीजिए, पर ये फ़ोन आपको अगर कैमरा के लिए अगर आप फ़ोन ढूंढ रहे हैं स्पेशली, तो ये फ़ोन आपको बेस्ट ज़रूर लेना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, चौथे नंबर पे जो फ़ोन ने जगह बनाई है वो है Realme X7 Pro। ये चौथे स्थान पे इसलिए है क्योंकि इसमें आपको मिलता है Dimensity 1000+। दोस्तों ये याद रखेगा, ये प्रोसेसर जो है MediaTek का Snapdragon के 8 सीरीज जितना पावरफुल परफॉर्मेंस देता है। और इसके डिस्प्ले की अगर मैं बात करूं, जो कि इसका सेकंड हाईलाइट है, इसमें आपको 6.55 इंच की एक FHD+ सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है दोस्तों। इसमें आपको सुपर एमोलेड, और गेमिंग के लिए इन्होंने और अच्छा एक और चीज़ दिया है इसमें, 120Hz का रिफ्रेश रेट। तो परफॉर्मेंस के मामले में तो ये बेस्ट फ़ोन हुआ आपके लिए। अगर आपको बेस्ट फोन वाला परफॉर्मेंस वाला फ़ोन ढूंढ रहे हैं तो ज़रूर आप इसको देखिएगा। अगर आपके कैमरा की मैं इसकी बात करूं, तो इसमें आपको मिलता है 64MP का क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है, और आगे की तरफ 20MP का आपको सेल्फी कैमरा मिलता है। और अगर मैं इसकी बैटरी की बात करूं, तो Realme जनरली अपने बैटरीज कम रखता है, इसमें भी आपको 4500mAh की बैटरी मिलती है, प्लस 65W का डार्ट चार्जर को सपोर्ट मिलता है इसमें, तो बैटरी भी आप इसमें अच्छी खासी पा जाते हैं। और अगर मैं इसके प्राइसिंग की बात करूं, तो इसके बेस फ्रेंड की प्राइस है 27,999। दोस्तों ये बेस्ट चीज़ हो गया, अगर आपको परफॉर्मेंस वाला फ़ोन चाहिए रहेगा, अच्छा कैमरा, अच्छा परफॉर्मेंस वाला, तो आप ज़रूर इसको देखिएगा। और याद रखिएगा, ये सारे फ़ोन्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में नीचे दिए गए हैं। तीसरे नंबर में जिस स्मार्टफोन ने अपनी जगह बनाई है वो है OnePlus Nord 5G। हाँ दोस्तों, हमारे लिस्ट के सभी फ़ोन 5G हैं, क्योंकि आने वाली टेक्नोलॉजी में आपको 5G ही मिलेगा। तो इसमें भी आपको प्रोसेसर मिलता है स्नैपड्रैगन की तरफ से 765G, जो कि 5G रेडी प्रोसेसर है। और इसमें आपको डिस्प्ले अगर आप देखें तो 6.44 इंच का फ्लूइड एमोलेड प्लस 90Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है, तो गेमिंग में आपको बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकता है ये। और अगर हम इसके कैमरा की बात करें तो OnePlus Nord में आपको मिलता है पीछे की तरफ क्वाड कैमरा सेटअप, जो कि 48MP का रियर कैमरा है, और आगे की तरफ आपको मिलता है ड्यूअल सेल्फी कैमरा, जो कि एक 32MP का है और एक 8MP का है। दोस्तों, OnePlus के फ़ोन में जनरली उनके OS में बहुत अच्छी खासियत रहती है, जो कि ऑक्सीजन OS रहता है,
तो आपको ये बहुत अच्छा फील दिलाएगा, कस्टमाइजेशन वगैरह सबको अच्छे से देगा। अगर हम इसके बैटरी की बात करें तो इसकी बैटरी थोड़ी अजीब है, क्योंकि इसमें आपको मिलती है 4115 mAh की बैटरी। देख सकते हैं आप कितनी अजीब बैटरी है इसकी। प्लस आपको बॉक्स में मिलता है 30W का चार्जर, फास्ट चार्जर सपोर्ट करता है इसमें। और अगर मैं इसके प्राइसिंग की बात करूँ दोस्तों, इसके 64GB वाले वेरियंट की प्राइस भी काफ़ी कम है, क्योंकि है 24,999। दोस्तों ये बेस्ट वैल्यू फॉर मनी फ़ोन होगा, परफॉर्मेंस के लिए, कैमरा के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस होगा इसमें, आपको बेस्ट कैमरा मिलेगा। तो दोस्तों ये वैल्यू फॉर मनी फ़ोन है, इसको अगर आपको लेना है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। दोस्तों नंबर 2 पे जो फ़ोन है उसको बताने से पहले आप हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तो दोस्तों दूसरे नंबर पे जो फ़ोन है वो है IQ7। आपने इस फ़ोन का आपने इतना नाम नहीं सुना होगा, पर दोस्तों यकीन मानिए ये बेस्ट फ़ोन होगा वैल्यू फॉर मनी के लिए, क्योंकि इसमें आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 870 प्रोसेसर, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और इसमें अगर डिस्प्ले की मैं आपको बात करूँ तो 6.62 इंच की बड़ी डिस्प्ले मिलती है, साथ ही साथ इसमें सुपर एमोलेड मिलता है, और साथ ही साथ इसमें गेमिंग के लिए 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिलता है। वाओ दोस्तों बहुत अच्छा फ़ोन है ये, यकीन मानिए। और अगर मैं इसके और डिटेल्स आपको बताऊं तो कैमरे में आपको मिलता है पीछे की तरफ ट्रिपल कैमरा स्लॉट मिलता है, और इसमें 48MP का रियर कैमरा है। फ्रंट में बताऊं तो सिंगल पंच होल के साथ में आपको मिलता है 16MP का कैमरा। और अगर मैं इसके बैटरी की बताऊं तो बैटरी भले कम है 4400 mAh, पर चार्जिंग में आपको मिलता है 66W का, जो कि 22 मिनट के अंदर आपकी पूरी बैटरी चार्ज कर देगा। तो आप आराम से गेमिंग करिए, आराम से कॉल अटेंड कुछ भी, ये चार्जेबल फ़ोन है, बहुत अच्छा फास्ट चार्जिंग फ़ोन है। और अगर मैं इसके प्राइसिंग की बात करूँ दोस्तों, ये 31,990 का है, पर ऑफर्स वगैरह मिला के ये अंडर 30,000 आ जाता है। तो दोस्तों अगर आपको बेस्ट वैल्यू फॉर मनी फ़ोन चाहिए तो इसकी तरफ जरूर जाइएगा, और याद रखिएगा इस सारे फ़ोन्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। हाँ तो दोस्तों जो नंबर 1 पे फ़ोन है उसे रखने में बहुत प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि नंबर 2 और नंबर 1 फ़ोन दोनों एक ही लेवल के हैं, क्योंकि नंबर 1 फ़ोन में आपको थोड़े ज़्यादा स्पेक्स ज़्यादा मिल जाते हैं, इसलिए हमें उन्हें नंबर 1 पे रखना पड़ा। तो नंबर 1 पे है Mi 11X रेडमी की तरफ से। तो ये हाल ही में लॉन्च हुआ ये फ़ोन, इसमें आपको प्रोसेसर मिलता है स्नैपड्रैगन का 875G रेडी प्रोसेसर, जो कि बहुत पावरफुल परफॉर्मेंस है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें डिस्प्ले के मामले में आपको मिलता है 6.67 इंच का FHD+ सुपर एमोलेड डिस्प्ले, साथ ही साथ 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट। और इसमें आपको कैमरे के नाम पे पीछे की तरफ ट्रिपल कैमरा मिलता है, जो कि एक 48MP का रियर कैमरा है, और आगे में आपको 20MP का सेल्फी कैमरा मिलता है। बैटरी की बात करूँ दोस्तों, इसमें भी अजीब बैटरी है, पता नहीं क्यों रखते हैं ऐसी। इसमें आपको मिलती है बैटरी के नाम पे 4520 mAh की बैटरी, और चार्जिंग के मामले में ये थोड़ा पीछे है पहले दूसरे नंबर वाले से, क्योंकि इसमें को 33W का फास्ट चार्जर का सपोर्ट मिलता है। और अगर मैं इसके प्राइसिंग की बात करूँ तो इसकी प्राइसिंग है 29,999, और ये वैल्यू फॉर मनी फ़ोन है दोस्तों, बहुत अच्छा फ़ोन है ये, यकीन मानिए। जनरल रेडमी के फ़ोन्स में थोड़े उनके OS में प्रॉब्लम रहती है, OS में, तो वो ऑप्टिमाइजेशन से बेटर हो सकती है दोस्तों। तो याद रखिएगा ये सारे फ़ोन्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा वीडियो ख़त्म होता है, हमें उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर हमारे लिस्ट से सेटिस्फाइड नहीं है तो कमेंट में नीचे ज़रूर बताइएगा, और याद रखिएगा सारे फ़ोन्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करिएगा, और हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।